स्पीच, मैडेन स्पीच के माने प्रथम सार्वजनिक भाषण, उसे कहते हैं फर्स्ट स्पीच कहलाता है आपका मैडेन स्पीच, मैडेन स्पीच, मैडेन स्पीच। सभी की जिंदगी में एक दौर आता है, किसी किसी के में वो दौर बचपन में आ जाता है, घर में गेस्ट आते हैं और बच्चों से कहते हैं बेटा पोइम सुनाओ, वो खुद नहीं सुनना चाह रहे, वो चाहते हैं कि उनके वो रिश्तेदार जो आए हैं वो सुने कि बच्चा पोइम कैसे सुनाता है। तो उस बच्चे के जीवन में वो पहली क्या हो सकती है, मेडन स्पीच। या आप कभी स्कूल या कॉलेज पहुंचे और आपसे बोला गया कि आप अब स्टेज पे आएंगे और चार लाइन हमारे देश के बारे में बोलेंगे, वो आपकी हो सकती है मेडन स्पीच, मतलब किसी भी तरीके से। हालांकि ना तो ये बचपन में पोइम का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ ना कभी स्कूल कॉलेज में, हाँ टीचिंग में जरूर हुआ एक, मतलब अपनी रियल स्टोरी है। सबसे पहली बार जब मार्कर उठा के पढ़ाने पहुंचा, सबसे पहली बार, आज से लगभग 10 साल पुरानी बात होगी, तो एक टॉपिक बहुत आसान मुझे लगता था उस टाइम पे, क्वेश्चन टैग। तो उसके ऊपर मैं पढ़ाने पहुंचा, तो जितना रात को पढ़ के गए थे उतना पढ़ाने पहुंचा। एक बच्ची बैठी थी, उसका मुझे नाम आज भी याद है, सुरेश था उसका नाम था, तो मुझसे ज़्यादा होशियार थी, वो मुझसे ज़्यादा पढ़ी हुई थी। मैंने टॉपिक लिखा क्वेश्चन टैग ऐसे होता, उसने कुछ पूछ लिया, मैंने कहा अभी आता हूँ एक मिनट, क्लास छोड़ के ऐसा भागा, ऐसा भागा पूरा घंटा निकाल दिया। मैंने कोचिंग वाले को बोला भैया मैं समस्या में आ गया हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, पूरा घंटा निकल गया। फिर मैं पहुँचा, मैंने क्या वो बैच कहाँ, वो चला गया, अच्छा कोई बात नहीं। फिर अगले दिन मैं क्वेश्चन देख के आया, पहले वो क्वेश्चन बताया, फिर आगे बढ़ा, ऐसे स्टार्ट किया। तो वही क्या था मेरा, मैडन स्पीच था, है ना, हाँ ऐसा हो गया। मतलब ये रियलिटी है कि मुझे आज भी उस लड़की का नाम याद है, लगभग 9-10 साल जो भी हो गई हैं। पहला टॉपिक क्वेश्चन टैग, और मैं क्लास छोड़ के भाग गया था, है ना। फिर मैं बाद में आया, फिर उसे पढ़ के आया, ऐसा कभी भी होता था। तो फिर मैंने ऐसी कुछ पॉलिसी अपनाई, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, लगभग साल भर तक ये प्रोसेस चली। फिर साल भर तक जब अभ्यस्त हो गए, अब तो खैर आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो मैडन स्पीच माने होता है जो फर्स्ट आपका भाषण है उसे के। अभी मतलब मैं कभी भाग भी जाऊँ तो मत समझना कि सर वैसे भाग गए, हाँ वो भागना लाइक कोई काम हो सकता है, अभी सर आ गए, सर से मिलने चला गया था, ठीक है। वो समय पुराना था, स्टार्टिंग सबकी किसी भी तरीके से हो सकती है, मेरी ऐसी थी, पहला दिन था। तो पता नहीं क्या टॉपिक उसने पूछा, ये याद नहीं, उस लड़की का नाम याद है, वो दिन मुझे याद है, एक घंटे मैं बाहर घूमता रहा सड़क पे, मैं दिखाई नहीं दूंगा किसी को। अपनी थी, अपनी थी, अपनी कोचिंग खोली थी सबसे पहले, काम कोई था नहीं उस टाइम, बेरोजगारी थी। मैंने घर वालों को बोला, मैंने कि क्या करें, तो बोलते हैं कुछ देखो, मैंने कहा जॉब कर लें, उन्हें डांटा, बने के बच्चे जॉब करते होंगे कोई भाई से, मैंने कहा व्यापार कर लेते हैं, तो कोचिंग व्यापार शुरू कर लिया, मतलब व्यापार इन सेंस कुछ करना था। तो स्टार्टिंग में टीचिंग को प्रोफेशन नहीं लिया था, एक पैशन लिया था, मज़ा आता था पढ़ाने में, किसी को देखा था पढ़ाते हुए, तो ऐसे स्टार्ट किया था। देखिए लुक आउट ऑफ कलर।